दीदी डराई दिया था हमें तो ठीक है ना अनन्या आई एम सो सॉरी मैंने कबीर पर तुम्हारी चॉइस पर शक किया मैं गलत थी आई एम रियली सॉरी और अगर आज पापा जिंदा होते तो उन्हें बहुत खुशी होती बहुत गर्व होता अपनी बेटी पर और मेरे जीजू पर तू बहुत थक गई होगी जा हाथ मुंह धो ले हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे भाई साहब आपने कहा था कि बंदे सुबह तक पहुंच जाएंगे कहाँ है बंदे काम कैसे होगा ये सब लास्ट मोमेंट में क्या कह रहे हो आप सब्जियां नहीं मिल रही आपके एरिया में मैं क्या करूं अबे आप ये सब सॉल्व करो हाँ और दूसरा आपने मुझे दो स्वीट डिशेस प्रॉमिस किए थे उसमें और एक स्वीट डिश ऐड करनी है मैं ऑफिस जा रही हूँ मैं लंच के बाद आ जाऊंगी और ड्रेस में पिकअप कर लूंगी ठीक है बाय उसमें और एक स्वीट डिश ऐड करनी है और हाँ पैसे एक्स्ट्रा दे दूंगी मैं आपको ओके ठीक है हे भगवान क्या हुआ मां देखा अनन्या भी निकल गई और उसे श्रेया के गिफ्ट के बारे में बताना रह गया अनन्या प्लीज अब तू ना ये खतरों से खेलना प्लीज छोड़ दे हाँ यार अब तेरा सेटल होने का टाइम आ गया घर गृहस्थी के बारे में सोचना शुरू कर यार मैं क्या करूँ मेरे वो खतरों से खेलने का इतना शौक रखते हैं कि अब तेरे वो है भी तो इतने टैलेंटेड नहीं सीरियसली क्या बंदा है वो अच्छा हाँ अरे अनन्या जी कॉन्ग्रेचुलेशंस तो कल का क्या प्लान है भाई कल तुमने टेररिस्ट ड्रामे से ब्रेकिंग न्यूज बनाई आज रिलेशनशिप ड्रामे से ब्रेकिंग न्यूज बनाने वाले तो हैट्रिक तो तभी होगी ना जब कल यानी कि टुमारो ही कुछ कर दिखाओ आप शाम को एंगेजमेंट में आइए सब पता चल जाएगा ऑफ कोर्स गुड लक आई सी यू गुड मॉर्निंग क्या हाल है अच्छा भाई कल रात बेबी जी यहीं पे थी क्या उनका क्या रिएक्शन था मुझे कैमरे के साथ जंग के मैदान में देखकर सन्नी जी और योगी उनके दिल में तो भाई हैं कौन बेबी हाँ तो ठीक है वो ऑफिस में पता नहीं यार शायद ऐसे एज सच कोई रिएक्शन नहीं था अनन्या यार डोंट डू दिस गाइस प्लीज मजाक मत उड़ाओ तुम मत छेड़ो उसको तू मेरी बात सुन देखिए काम कर अब ना तू बेबी को प्रपोज कर दे अगर तेरा प्यार सच्चा है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेगी और अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो देख अपने आप को नहीं बदलना चाहिए अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो तेरी हीरोइन नहीं है करेक्ट वैसे भी तुझ में जो बात है वो किसी और में थोड़ी ना है ना ऑब्वियसली हमें तो तू ऐसा ही चाहिए उससे चाहिए तो ले ले पढ़ना जाने दे कमाल की किस्मत पाई है इस कबीर ने कल रात का बुलेटिन भी मिला मुझे उसका ब्रेकिंग न्यूज भी मिली लेकिन क्या फायदा श्रद्धांजलि तक की तैयारी कर चुका था मैं लेकिन बच गया क्या करें बुलेटिन के आखिर में उसने बुलेटिन टेक ओवर करके लाइमलाइट तो ले ही गया ना मानव किसी और के बुलेटिन पे अपना करियर नहीं बनाया जाता आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू और रादर रिमाइंड यू कि कबीर ने बुलेटिन फिनिश करके कोई लाइमलाइट नहीं ली तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज खुद कबीर था उसके कारनामे थे समझे कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है जो अपना हो किसी से छीना हुआ नहीं really? You know what, मालविका तुम
पहले से भी ज्यादा सीन और इररेसिस्टिबल हो गई हो। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो माना, अब फिलहाल हमारे बीच कुछ नहीं है और ना ही कुछ होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी थी। मैं बस अपनी पोजीशन अपने नाम के अहम में ही खोती रही, पर अब मैं इस अहम के पीछे उस इंसान को जानना चाहती हूँ, पहचानना चाहती हूँ, और इसलिए अब मेरे पास ना ही किसी और के लिए टाइम है, ना एनर्जी और ना इंक्लिनेशन। सो प्लीज। गुड गुड, वेरी गुड। कभी कल रात को पहली बार शायद तुमने मुझे डरा दिया था। पूरी तरह से। I was so nervous that I can't... खालिद, ये है ब्रेकिंग न्यूज़। What? खालिद को भी डर लगता है। Oh, shut up, कबीर। रात की तैयारी हो गई? Almost. Excuse me. I'm really sorry. मैं घर जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था मैं लंच टाइम में चली जाऊंगी, तो खालिद सर, see you in the evening. Of course, sweetheart. I'm dying to see you become half Mrs. Sharma. Iska matlab hai ki main half Mr. Kashyap banne wala hoon. Yeah. Of course. See you. Bye. Pretty, na? Ananya? Big day, huh? घर जा रही हो ना? हाँ, मैं कुछ काम भी है तो। जल्दी जाना भी चाहिए। After all, तुम्हारी engagement है। Come on, give me a hug. You know, मैं तुम्हारी engagement के लिए इतनी excited हूँ। You must be so happy. मेरा गिफ्ट मिला? गिफ्ट नहीं मिला ना? Well, कल रात को जो कुछ भी हुआ तो उसकी वजह से I'm sure आंटी भूल गई होंगी, पर जल्दी से घर जाओ और मेरा गिफ्ट देखो। I'm sure you will love it. मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। I'm sure you like it. वैसे आंटी ने मुझे खुद इनवाइट किया है तुम्हारी एंगेजमेंट पे, बहुत प्यार से। बट वो मीटिंग्स है ना, बहुत सारी ठकराल वाली मीटिंग है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। बट यू हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ। या मैं या ऑल द बेस्ट। Happy engagement, my friend. तब फिर इसने कहा कि श्रेया ने मुझे बेवकूफ बनाया है कि नहीं दीदी? ये गिफ्ट देके इनविटेशन ले लिया। कैसी है? Whatever, I don't care. मैं श्रेया का दिया हुआ कुछ नहीं पहनने वाली, वो भी आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। No way. कभी ना शायद ठीक कहते, ज्यादा स्मार्ट है ये, हमेशा हमें भिड़ाने में लगी होती है। और अब अच्छा है ना ही आए, जो हमने बुलाया ही नहीं है। अरे उसने खुद कहा है कि वो नहीं आएगी। तू तो बड़ा खुश होगा आज, नहीं? I'm so very happy. अच्छा आप लोग जल्दी आ गए, आप लोग के बिना पार्टी बोरिंग और सीरियस हो जाती। हो जाती ना, अब नहीं होगी, टेंशन ना ले, है ना? रंग जमा देंगे भाई। हेलो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, आप सबको। आदि अनन्या कहाँ है? तैयार हो रही है? हाँ।
अच्छा कबीर को फोन करके देखना कहाँ तक पहुँचे। जी आनी। आंटी फोन मिल नहीं रहा, मैं थोड़ी देर में ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं जरा बाहर। जी ठीक है। लाइफ कहाँ से कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता, है ना? एक साल पहले तुझे इमेजिन किया था ये सब कबीर शर्मा को। हाँ तुझे याद है, मैं अभी सोच रही थी कि जब मैं उस मिनिस्टर का इंटरव्यू लेने गई थी जो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करा था और उसके बाद दिल्ली गांधी के ऑफिस में पथराव हुआ था, मैं कबीर शर्मा का इंटरव्यू लेने गई और इस आदमी ने मुझे देखा तक नहीं था। He just ignored me. जी। सर 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 आप। और तुझे वो दिन याद है जब कबीर सर का फर्स्ट डे था और तुम उनसे बात करते हुए कितना फंबल कर रही थी? I just behaved yourself. मैं सॉरी वो आर्टिकल पापा एक्चुअली उस रात हम वेरी बिग फैन। अच्छा एक बात बता, तूने बिगनिंग से ही लाइक करती थी ना? कबीर शर्मा मेरे हीरो थे, स्पेशली पापा के जाने के बाद, और जिस तरह पापा गए आज मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। रुक जा मैं करती हूँ। टूटना अच्छा नहीं होता ना। सब कहते हैं अपशगुन होता है। नहीं बेटा अब उस तरीके से तो ग्लासेस टकराएंगे नहीं, हमने वो हार्ड ड्रिंक्स तो रखे नहीं ना पार्टी में, तो तुम्हारे पापा ने अपने तरीके से चीयर्स कहते हुए ग्लास को टकराया और तोड़ दिया। बस यूँ समझ लो बेटा कि तुम्हें लगने वाली हर बुरी नज़र से तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तुम आज इतनी सुंदर क्यों लग रही हो? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या ये? आपके लिए और अनन्या दीदी के लिए मेरे तरफ से। वाओ, दिस इज सो गुड। थैंक्स यार। चाहिए तो बता दो कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छा, अगर आप मुझे ले चलते तो और भी स्मार्ट दिखते। समझाया था ना तुम्हें अनुराग। सॉरी। सॉरी क्यों? जनाब बट हैं हमारे, ऐसे ही थोड़ी ना चले जाते हम किसी के पास। पहले वो आएंगे हमसे मिलने के लिए, अनन्या दीदी खुद आपसे मिलने के लिए आएंगी यहाँ पर। क्या बात है, बहुत टेंस लग रहा है, डर लग रहा है क्या? जंग लड़ रहा हूँ खुद से। तरणी मेरी और अनन्या की रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता सच्चाई पर टिका, एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार, एक दूसरे की सच्ची इज्जत, एक दूसरे पर सच्चा यकीन, और इस सब के बावजूद तुम भी जानती हो कि मैंने एक बहुत बड़ा सच अब तक उससे छिपा कर रखा है। इमेजिन जो लड़की मुझसे इतना प्यार करती है
मुझ पर इतना भरोसा करती है कि उसने आज तक मुझसे मेरे पास्ट के बारे में नहीं पूछा। जब उसे मालूम पड़ेगा कि मैंने उससे इतना बड़ा सच छिपा कर रखा है तो हमारे रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाएगी। बस यही जंग लड़ रहा हूं। मैं सच उसे बता सकता नहीं और बिना बताए मैं रह सकता नहीं। क्या छुपा रहे हो आप अनन्या दीदी से? अनुराग, कबीर ने एक्चुअली अनन्या के लिए एक गिफ्ट खरीदा है और उसको ये बात बताई नहीं, तो मैंने कहा अभी मत बताओ, बाद में गिफ्ट सीधा दे ही देना, सरप्राइज मिल जाएगा उसे, है ना कबीर? ओह ओके कूल, तो आप दोनों मिलके अनन्या दीदी को परेशान करने की और चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ओह आई गॉट इट, यू आर अ जीनियस सर, आपसे कोई बात छिपी नहीं सकती। अच्छा जाओ बाहर जाके टीवी देखो, जाओ। तारिणी, जब मैं अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, एक नए रिश्ते को गले लगाने जा रहा हूं, तो फिर मैं क्यों एक सच उससे छुपाऊं? पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या गलत, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उसे वो सच बता देना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट कबीर, वो पल जब तुम अनन्या को सच बता सकते थे वो निकल चुका है। अब कड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस बारे में सोचकर तुम अपसेट हो रहे हो, तो आई वुड से कि इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन जो बीत गया उसे जाने दो। सर पे रखे बोझ से कहीं ज्यादा भारी मन पर रखा बोझ होता है, और कमाल की बात तो यह है कि ये बोझ हम खुद ही रखते हैं, खुद ही लेकर चलते हैं और खुद ही सहते हैं। बताइए, उतारिए ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।